साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीपों के इस महापर्व पर जनपद वासियों को उच्च अधिकारियों ने सिटी वन चैनल के माध्यम से दी बधाई। दीपों के इस महापर्व पर जनप्रतिनिधियों ने सिटी वन चैनल के माध्यम से दी बधाई। कायाकल्प योजना से संबंधित टीम ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण। धनतेरस पर बर्तन, जेवर, वाहन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की हुई जमकर खरीदारी, लगभग 500 करोड़ का हुआ कारोबार। महानगर के विभिन्न पंडालों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद खोले गए माता लक्ष्मी के पट। प्रेम प्रसंग में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, शादी टूटने से नाराज युवक ने घटना को दिया अंजाम। थाना समाधान दिवस पर कोतवाली थाने में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। और शहर के विभिन्न 13 स्थानों पर 670 अस्थायी पटाखे की लगाई गई दुकानें, फायर सेफ्टी को लेकर विशेष सतर्कता। दीपों के इस महापर्व पर जनपद के उच्च अधिकारियों ने सिटी वन चैनल के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व छठ की शुभकामनाएं दी हैं। सिटी चैनलों के दर्शकों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस त्यौहार, खुशी के त्यौहार को, रोशनी के त्यौहार को हम लोग मिल के हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके इस त्यौहार के सकुशल मनाने पर पूरी तरह सहयोग करेगा और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर समस्त व्यवस्था करेगा, जिससे आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं मंडलाई गोरखपुर अपने तभी मंडल के तभी जनपद वासियों को जो है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आगामी छठ पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग जो है अच्छे से त्यौहार को मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। सिटी वन चैनल के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारे बधाई। सभी से अपील करना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी त्यौहार धनतेरस, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं यहाँ की जनता को देना चाहूँगा। इसके लिए प्रशासन, नगर निगम, पुलिस ने ट्रैफिक से लेके साफ सफाई तक का व्यवस्था रखा है। तो खुशी खुशी मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खूब खरीदारी करें और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी वन न्यूज़ के सभी श्रोताओं को आगामी त्यौहार दीपावली, धनतेरस और छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में आप सभी लोग इस त्यौहार को सेफ ढंग से मनाएंगे। धन्यवाद। सिटी वन चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की अनेकों शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से, पर्यावरण फ्रेंडली तरीके से दिवाली मनाएं और परिवार के साथ इस पर्व को एंजॉय करें। जय हिंद। पूरे जनपद गोरखपुर के समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मंगलमय हों और दिवाली पे आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, यही मेरी तरफ से आप सभी को संदेश है। सिटी वन चैनल के सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे गोरखपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्यौहार आप सब लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए और इस त्यौहार को जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में आप मनाइए। अपने घरों में कम से कम कूड़ा करें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। अपने घरों से, त्यौहार से प्लास्टिक को बिल्कुल निकाल दीजिए और इस पर्यावरण को शुद्ध रखने में, शहर को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें। इस बार नगर निगम जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में आगामी त्यौहारों को मना रहा है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, उसके बाद छठ पूजा, सभी को जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में मनाइए। स्वच्छ दीपावली, स्वस्थ दीपावली, सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी त्यौहारों के परिप्रेक्ष्य में मेरी सिटी वन चैनल के माध्यम से गोरखपुर वासियों से यही अपील है कि दिवाली को हर्षोल्लास के साथ साथ सुरक्षित रूप से मनाएं और हम सभी लोगों का सहयोग करें। मैं पुनः आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सिटी वन चैनल के दर्शकों और गोरखपुर जनपद के सभी जनपद वासियों को आगामी धनतेरस, दीपावली और भैया दूज त्यौहार की शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए और आप हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। सभी लोगों को
विशेष रूप से सिटी वन चैनल के सभी लोगों को शुभकामना दीपावली और छठ की। मैं सिटी चैनल के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर यह निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले दीपावली के पर्व में सभी लोग हर्षोल्लास से दीपावली के त्यौहार को मनाएं। साथ ही साथ निवेदन है कि अपने बच्चों को आप स्वयं किसी भी अनहोनी को होने से बचाएं, जिससे कि सुरक्षा जो सुरक्षा मापदंड है उसका इस्तेमाल करें। पटाखों को अगर आप जला रहे हैं तो अपने बच्चों को उससे दूर रखें। साथ ही साथ मद्य निषेध करें और धूम्रपान से दूर रहें। धन्यवाद। दीपावली के पावन पर्व पे मैं सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ अपना हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। किसी भी प्रकार के हैवी पटाखों का इस्तेमाल करने से बचें। प्रदूषण का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जो वर्तमान परिदृश्य जो दिल्ली और अन्य जगहों पर दिखाई दे रहा है, जितना हम कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल करेंगे वो आम जनमानस के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम एक अच्छा मैसेज देंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सभी जनपदवासी हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आप लोग अपना त्यौहार सुरक्षित रूप से हंसी खुशी से मनाएं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। जीवन चैनल के समस्त सम्मानित दर्शकों को मैं दीपावली, धनतेरस, भैया द्वीज और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि सिटी वन की निष्पक्ष समाचारों का आप लोग आनंद लेते रहे। चैनल के सभी श्रोताओं को और जनपद वासियों को मैं दीपावली और छठ पर्व की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि सुरक्षित दीपावली मनाएं। जब बच्चे पटाखे इत्यादि जला रहे हों तो उनके साथ रहें, सुरक्षित रूप से दीपावली में हर्षोल्लास के साथ मनाएं, छठ पूजन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा कार्यालय हर तरीके से आप सभी लोगों के सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगा। दीपों के इस महापर्व पर जनपद के जनप्रतिनिधि ने सिटी वन चैनल के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व छठ की शुभकामनाएं दी हैं। मैं सिटी चैनल का आभारी हूं। सिटी वन चैनल ने पत्रकारिता के, स्थानीय पत्रकारिता के क्षेत्र में गोरखपुर में एक बहुत बड़ा मापदंड स्थापित किया है और यथासंभव निष्पक्ष पत्रकारिता के उद्देश्य से अपने दायित्व का निर्वहन किया है। दीपावली का त्यौहार, भैया दूज का त्यौहार, चित्रगुप्त पूजा का त्यौहार और अभी छठ आने वाला है, छठ का त्यौहार, ये अपने भारत के बड़े प्राचीन त्यौहार हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता इनमें रची बुनी है। आज जो भारत में हम एकता देखते हैं, दिखती है राजनीतिक एकता, वास्तव में होती है धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, और उस एकता की जड़ में यही हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं। असत्य पर सत्य की विजय हो, अधर्म पर धर्म का विजय हो, अंधकार दूर हो, प्रकाश फैले, ये जो उच्चतम मानवीय मूल्य हैं, इन त्यौहारों के माध्यम से हम लोगों के मन में इन भावनाओं को स्थापित करने का काम किया जाता है। भगवान श्री राम का जीवन पूरी दुनिया सर्व मानव समाज के लिए बहुत आदर्श और अनुकरणीय जीवन था। अच्छाई और बुराई के बीच में ये संघर्ष चलता रहेगा, इसलिए आज के इस त्यौहार के अवसर पर नागरिकों को बधाई देता हूँ कि वो उल्लासपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाए। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनका पूरा एक साल बहुत अच्छा गुजरे और उनसे उम्मीद करता हूँ कि भगवान श्री राम पूजने और जानने के विषय नहीं हैं, जीने के विषय हैं, हम उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं हूँ सांसद रवि किशन शुक्ल। आप लोग सिटी चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। आप सभी को दीपावली की भैया हो, माई हो, बाबा हो, बहुत सारी शुभकामना। बम बम रहा।
और दिवाली में पटाखा संभार के सब लोग जा रही है, बाल बच्चा के बचा। दिवाली और धनतेरस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सिटी वन चैनल की तरफ से मैं पूरे श्रोता बंधुओं को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी त्योहारों का मौसम ये चल रहा है, इसी क्रम में बहुत ही निकट जो है दीपावली, धनतेरस और छठ का कार्यक्रम आने वाला है। आप सभी इन पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और साथ में अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ऐसे घातक पटाखे और ऐसे खतरनाक कंडीशंस में जो है पटाखे न छुड़ाएं। आप सबको इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धनतेरस का पावन पर्व सबको वैभव संपन्न करें और दीपावली जहां अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का पावन पर्व है। मैं सिटी वन चैनल की तरफ से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बच्चे पटाखा जलाते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं? पर्यावरण की दृष्टि से हम सब का दायित्व तो है कि पर्यावरण ठीक हो, और इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि पटाखे और इन सब का प्रयोग कम से कम हो ताकि पर्यावरण भी ठीक रहे। ही गोरखपुर वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। यह बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि है, हम सभी से अनुरोध करेंगे दीपावली का पर्व शांतिपूर्वक मनाएं और थोड़ा पटाखे वटाखे से बचें, क्योंकि थोड़ी असावधानी के नाते बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और माँ लक्ष्मी से ही प्रार्थना करेंगे कि गोरखपुर वासियों, प्रदेश वासियों को सुख समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी शुभकामना है। सहजनवा विधानसभा के सभी परिवार को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं का धनतेरस, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को शुभकामना व स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। आज यह दीपावली एक ऐतिहासिक दीपावली है, जब प्रभु राम अयोध्या में लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो उस त्रेता युग में दीपावली मनाई गई थी, और उस त्रेता युग को कलयुग में उतारने का काम 2017 में जब पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अयोध्या में दीपावली मनाई। उस त्रेता युग को कलयुग में उतारने का काम हमारे पूज्य महाराज जी ने किया। यह दीपावली वैसे ऐतिहासिक होनी चाहिए कि आज 500 वर्ष बाद राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। सभी को शुभकामना देते हुए पूरे सहजनवा विधानसभा के एक परिवार का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल के माध्यम से दीपावली के अवसर पर शुभकामना है। भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना, ये चैनल भविष्य में भी सफल पूर्वक कार्य करता रहे। गोरखनाथ मंदिर परिवार की ओर से सिटी वन चैनल के समस्त दर्शकों को दीपावली के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कायाकल्प योजना को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंची लखनऊ से आई टीम ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कायाकल्प योजना के तहत शासन द्वारा जारी किए गए मानकों का आकलन किया गया। मानकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर किस प्रकार के मानकों का पालन किया जा रहा है। मानकों पर खरा उतरने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन भी किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अंबर इस्लाम, अधीक्षक डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव, डॉक्टर मुकुल द्विवेदी, डॉक्टर प्रशांत अस्थाना सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सारी क्या करेंगे
इनका ड्यूटी रोस्टर सर बहुत क्या रहता है, हम कहते मैं बना देता हूँ तो आईसी इंडिया काफ़ी अच्छा है। टिकट लेना मिलता है, कुशीनगर में एंडमिक एरिया है, यहाँ पे वो कौन सा इंजेक्शन आता है ना, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कायाकल्प असेसमेंट से डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन ने बताया। ऑपरेशन कायाकल्प नहीं है, ये कायाकल्प स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो 2 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी भारत सरकार ने, और इसमें भारत सरकार हर वैसे अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी खूबियों को तौलती है। इसके लिए एक पूर्व निर्धारित मानक है, उस पूर्व निर्धारित मानक के आधार पे एक बाहर से टीम आती है और वो देखती है कि उस मानक पे वो अस्पताल कहाँ तक खरा उतरता है, और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक और पारदर्शी तरीका है अस्पतालों के में दिए जाने वाले सेवाओं की गुणवत्ता को परखने का। और उसके बाद ऐसे ये काम उत्तर प्रदेश 75 जनपद में किया जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन किस अस्पताल को कितना मार्क्स मिला है उसके आधार पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और कुछ कैश अवार्ड दिया जाता है जिससे अस्पताल में सेवा में और सुधार लाया जा सके। दैट इज़ व्हाट इट इज़। क्या कुछ बदलाव होगा क्या जिला अस्पताल में, आपको लग रहा है बदलाव करने की जरूरत? चूँकि मैं एक असेसर हूं और ये पूरी प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक है, कॉम्पिटिटिव है, तो मेरा प्रतिस्पर्धा के फाइनल रिजल्ट तक बोलना इस बारे में उचित नहीं होगा, लेकिन अस्पताल जो 1905 की बिल्डिंग में अभी आप देख रहे हैं इस वार्ड में जो चलाई जा रही है, ये तो सराहनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस वार्ड में मैं भी खड़ा हूँ 1905 की ये बनी हुई बिल्डिंग है, और यहाँ पर उन्होंने एमएनसी वार्ड अपना बना रखा है 30 या कुछ उससे ऊपर एक बेड का है, तो इनका प्रयास तो बेहतर सराहनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं। धनतेरस पर शुक्रवार को शहर के बाजार गुलजार रहे हैं और सुबह से लेकर देर रात तक जमकर धन वर्षा हुई। यूं तो सुबह से ही दुकानें सजने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ते गए बाजारों में चहल पहल बढ़ती गई। सुबह से दोपहर तक बाजार में भीड़ कम रही, लेकिन जैसे ही दोपहर बाद ग्राहकों ने बाजार की तरफ रुख किया तो दुकानों पर चमक पड़ गई। इस दौरान शुभ मुहूर्त में लोगों ने बर्तन, जेवर, वाहन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी की। सभी सेक्टर मिलाकर लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। बाजार के जानकारों की माने तो धनतेरस पर सर्वाधिक गुलजार सर्राफा व बर्तन बाजार रहा। सर्राफा में सर्वाधिक 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, तो वहीं बर्तन का भी लगभग 50 करोड़ का कारोबार रहा।
अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। दीपोत्सव के बीच महानगर के विभिन्न स्थानों पर घरों व पंडालों में माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के बाद माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद माता के पट को खोला गया। वहीं माता से सुख समृद्धि व मंगल कामना की भक्तों ने अपील की। हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के सुरैना गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफरे आशिक ने नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भोला नामक युवक को गिरफ्तार कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है पुलिस। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, 11/11/2023 को थाना हरपुर बुढ़ट को ये रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गांव के ही नंदू निषाद के घर पे रखी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास जो दो लड़के सो रहे थे उनको गोली मार दी गई है। तत्काल थाने की फोर्स मौके पर पहुंची, उनमें से एक लड़के की मृत्यु हो गई तथा दूसरे के बांह में गोली लगी थी जिसको कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया जहां उसका इलाज और अन्य कार्रवाई की गई। मृतक लड़के को शव को कब्जे में लेके और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराएगी तथा जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि भोला निवासी पिपराइच नामक युवक ने इन लोगों पर फायर किया है। विवाद का कारण जानने पर यह पता चला कि भोला के विवाह को लेकर के इन लोगों में आपस में विवाद था जिसके कारण भोला ने फायरिंग की है। इस संबंध में अभियुक्त भोला को हिरासत में ले लिया गया है तथा उससे जो असलहा इस्तेमाल हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई साक्ष्यों के अनुक्रम में की जा रही है। शासन के निर्देश के क्रम में माह के दूसरे एवं अंतिम शनिवार को लगने वाले थाना समाधान दिवस का आयोजन इस शनिवार को भी कोतवाली थाना परिसर में किया गया। थाना क्षेत्र में जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद पुलिस कर्मियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ये कब से चल रहा है मामला, कब दिए आप? कल ही तो तारीख कल ही इसको कब दिया? कल ही कल शाम को कल शाम को जब पैसा चल रहा है पहले से बैठा था हमने, अब जान गए उससे पहले बैठा था, हमने बताया था हमने, हम उसके बाद से गए उससे पूछताछ की उस लोग तुरंत आपको। हेलो हेलो बस आ गए तो ये चलो पता चले सबको छुड़वा रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा दूषित होंगे। ये नहीं खींचा है इंस्टा पर, रामदेव के पास लिया है, जरा बुलाओ इसको। ये
यहाँ खड़े हो इसके माध्यम से मिला उसको खाली ये कैसे इनको जिसने बताया गाड़ी फोन तो बंद कर दिया होगा भी लोग घर वाले भाई ऐसी गाड़ी दिला कैसी गाड़ी आप दिला दी आप चोरी की गाड़ी ये चुस्ते का उसके पास कुछ है ही नहीं है मुझे उसका जिला प्रशासन द्वारा दीपावली पर्व पर शहर के विभिन्न 13 स्थानों पर 670 अस्थायी पटाखे की दुकानें लगाई गई हैं। दुकानों पर पटाखे तो हर वैरायटी के मिल रहे हैं, लेकिन वहां माचिस, मोमबत्ती और दिए की बिक्री नहीं हो रही है। दो पटाखे की दुकानों के बीच 9 वर्ग मीटर की दूरी रखी गई है। टीन सेट से दुकानों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा इन स्थानों पर फायर सेफ्टी के सारे उपाय लगाए गए हैं। इसी क्रम में गोलघर के टाउन हॉल स्थित परिसर में भी जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के क्रम में बड़ी संख्या में दुकानें लगाई गई हैं। इन दुकानों पर तरह तरह के फुलझड़ियां, पटाखे, विभिन्न प्रकार के लाइट, रॉकेट, घिरनी सहित अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री की रही है। छोटे में देना प्रदूषण हमारे क्षेत्र में नहीं होता है। प्रदूषण जो है इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया, बिक्री तो भैया बहुत खराब जा रही है, कोई खास दुकानदारी नहीं है। समझ लीजिए कि हम लोगों का खर्चा पानी आ जाए बहुत है, बहुत हल्की है। क्या खर्चा आता है दुकान लगा रहे थे? दुकान लगाने में जो है कम से कम 25-30 हज़ार रुपया खर्चा आता है। कुछ नहीं, बिक्री एकदम है नहीं है। प्रशासन द्वारा सब सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सपोर्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग का सहयोग करते हैं, दुकान लगाने में भी मदद करते हैं हम लोगों की। आग से बचाव के लिए क्या है? पानी भी हमारे पास है, बालू भी है, फायर ब्रिगेड भी रखे हुए हैं, सब हमारे पास है। देखिए दिवाली के पर्व में जो पटाखे दुकानें लगी हैं, प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिला है, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट के महोदय के तरफ से अब की साल बहुत ही अच्छा क्रमबद्ध हिसाब से और नियमित अनुसार बना है। सभी दुकानें टीन शेड में बना है और नियमों का पालन करते हुए सभी दुकानों पे पानी का, फायर एक्सटिंग्विशर का, बालू का व्यवस्था रखा गया है और समय से दुकानें सबकी बन गई, समय से ग्राउंड खुल गया। यहाँ तक कि नगर निगम की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला, मच्छर का छिड़काव हुआ, साफ सफाई का हुआ, इन सब चीज़ों से बहुत सुविधा मिला दुकानदारों को। आग से बचाव के लिए, आग से बचाव के लिए सर सारी दुकानों टीन शेड में बना के प्रशासन ने पहले ही दिया है, ये तो सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज़ फायर वाला मशीन हम लोग रखे हुए हैं, हर दुकान पे दो दो 200 लीटर पानी रखे हुए हैं ड्रम में, चार बोरा बालू रखा हुआ है और सभी लोगों को मना भी किया जाता है कि ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल ना करें। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दीपों के इस महापर्व पर जनपद वासियों को उच्च अधिकारियों ने सिटी वन चैनल के माध्यम से दी बधाई। दीपों के इस महापर्व पर जनप्रतिनिधियों ने सिटी वन चैनल के माध्यम से दी बधाई। कायकल्प योजना से संबंधित टीम ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण। धनतेरस पर बर्तन, जेवर, वाहन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की हुई जमकर खरीदारी, लगभग 500 करोड़ का हुआ कारोबार। महानगर के विभिन्न पंडालों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद खोले गए माता लक्ष्मी के पट। प्रेम प्रसंग में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, शादी टूटने से नाराज युवक ने घटना को दिया अंजाम। थाना समाधान दिवस पर कोतवाली थाने में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं।
और शहर के विभिन्न 13 स्थानों पर 670 अस्थायी पटाखे की लगाई गई दुकानें, फायर सेफ्टी को लेकर विशेष सतर्कता। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।